नमस्कार। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। प्यारे दर्शकों, इस जानवर को जानते ही हैं, बहुत से लोग इससे नफरत करते हैं। नफरत करना ठीक है, करो नफरत, लेकिन ध्यान रखिए, हम आप जितने भी इस प्रकृति में जीव जंतु बने हैं उनके सिर्फ चार डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, और आप हम उनसे अलग नहीं हैं। आंशिक कनेक्शन सबसे है कुछ ना कुछ, ठीक है, आपका व्यवहार है, आपका नेचर है, आप किससे प्रेम करते हैं, किससे नफरत करते हैं, ये आप जाने। बहरहाल, हमारे बहुत सारे इन 10 सालों में जो मेरे दर्शक हैं, उन्होंने हमसे हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे सुकर दंत मंगाए, लेकिन आज हम सुकर मुक्ता के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुकर दंत के बारे में समझ लीजिए। प्यारे दर्शकों, हमेशा सुकर दंत जंगली सुकर का ही लेना चाहिए। छोटा बड़ा, किसी का बड़ा दांत हो गया, किसी का छोटा, उससे कोई मतलब नहीं। जंगली सुकर का, और शिकार किया हुआ ना हो कि आपने मारा हो, फिर वो बेकार होता है, ठीक है। उसका भी किसी पशु द्वारा, जैसे लकड़बग्घा, लेपर्ड, लायन या अन्य जानवरों द्वारा उसका शिकार किया गया हो, कभी कभी इनके दो समूह आपस में लड़ते भिड़ते एक को मार देते हैं। कभी कभी जंगली जो कुत्ते होते हैं वो उनका शिकार कर देते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ गन्ना बहुत बोया जाता है, चले जाओ हजारों हेक्टेयर में गन्ने गन्ना है, कई किलोमीटर में गन्ना ही गन्ना नदी किनारे, तो यहाँ लेपर्ड से लेके बहुत सारे एनिमल्स बहुत आसानी से रात को देखे जा सकते हैं। तो हम लोगों के लिए आम बात है कि जो गांव के किनारे रहने वाले जनजाति हैं उनसे बोल देते हैं, वो इकट्ठा करे रहते हैं और दे देते हैं। अब आते हैं कि इसके फायदे क्या। सुकर दंत से अगर इसको भगवान वारा के मंत्रों से सिद्ध करके बढ़िया से सिद्ध किया जाता है, और इसको पहनने वाला या घर के मुख्य द्वार पर लगाने वाला जिस प्रकार काले घोड़े की नाल लगाते हैं उस प्रकार इसको लगाया जाता है, उस घर में किसी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव नहीं होता, और किसी ऊपर बार बार अगर मुस्लिम तंत्र मंत्र का प्रभाव हो रहा तो ये जो जातक पहनता है उसके ऊपर किसी प्रकार का इस्लामिक या मोहम्मदनी जो तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि काले घोड़ा होता है ना, काले घोड़े के नाल लगा देते हैं, उसका ये बहुत गुना है। काले घोड़े के नाल के साथ नाव की कील लगती है, लोग अधूरा ज्ञान है धर के काले घोड़े के नाल ही लगाए हुए हैं, और 90% लोगों को काले घोड़े की नाल नहीं मिलती है। जो सड़क पर लेके टहलते हैं कलर करके डाई लगा के, वो आपको बेचे 500 की, आगे गए फिर ठोंक दिए दूसरी, ऐसे ही करते हैं, दिन भर में उनका बढ़िया काम होता है। शुकर दंत के एक नहीं अनेक फायदे हैं। जिस बहनों को बच्चा नहीं हो रहा, वो मादा सुकर दंत को अपने कमर पे नीले धागे में लॉकेट बना के पहने, देखिए कैसे नहीं होगा। लेकिन फिर बता रहा हूं, शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा किया हो तभी। अब सुकर मुक्ता क्या होता है, ये जो हमारे इन दर्शकों में बहुत सारे, एक ऐसी बिरादरी हमारे सनातन धर्म की बड़ी वीर योद्धा जिसे हम बोलते हैं पासी बिरादरी, ये बड़े वीर होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये पालते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, कभी कभी आप लोगों का जो नर होता है जिसे घेंटा बोलते हैं उनमें भी ये निकलता है, और जंगली में विशेषकर। जंगली सुकर में किस लिए निकलता है कि सुकर क्या जमीन के अंदर जड़ों को खाता है, इसी प्रकार की एक जड़ी होती जिसे बोलते कलिहारी। कलिहारी के पुष्प बड़े सुंदर होते हैं, पत्ते चिकने होते हैं, इसके अंदर कंद जैसे शकरकंद का होता है उस तरीके होता है। जब जब इसका जो नर होता कलिहारी का भक्षण करता खाता है तो इसके अंदर नशा होता, काल को हरने वाली कलिहारी। वनस्पति तंत्र के बारे में किसी को मालूम ही नहीं, क्या बताएंगे, बस कहें भाई कलिहारी है, इसका उपयोग ऐसे ऐसे करते, लेकिन नाम क्यों कलिहारी रखा गया
ये काल को हरने वाली, इसका प्रयोग बता देंगे ना, बड़े बड़े कितना भी बड़ा तांत्रिक मांत्रिक हो आपका कुछ कर नहीं सकता, भेजा करे मारण मंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। कलिहारी काल को हरने वाली, कलयुग के समस्त प्रकार के विकारों का नाश करने वाली, उसे बोलते काल को भी मात देने वाली कलिहारी। तो कलिहारी के कंध को जब यह भक्षण करती है या करता है तो इसमें विष हल्का होता है, नशा, तो इसका मद जब चढ़ता है तो जैसे आदमी भागने या गिरता है उठता है उस तरीके से थोड़ी देर बाद इसके शरीर में सर में बहुत दर्द होता है। तो ये पेड़ों के ऊपर खूब रगड़ता है, पेड़ों के ऊपर इतना रगड़ता है कि यहां पर पूरी खाल ऐसा उधड़ना चालू हो जाती है। और इस क्रिया से जो खाया हुआ रहता है, जैसे हम दही को बिलोते हैं मस्ते मस्ते ज्यादा मतलब तो एक मक्खन निकलता, इस क्रिया से और ये कलिहारी के ब्लड रिएक्शन से एक प्रकार का छार बनता है। वो छार आके इसके कनपटी के कानों पास ग्रंथि रहती वहां इकट्ठा हो जाता है, और जैसे इकट्ठा होगा तो इसके बदन की पीड़ा शांत हो जाती है और वो घाव दूसरा इसकी मादा या नर उसको जबान से चाट चाट के सही कर देती है। ऐसे ये छार पड़ा पड़ा धीरे धीरे शहद शहद के बराबर मोम मोम से फिर और कैड़ा, फिर धीरे धीरे वो पत्थर बन जाता है। इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा काला भूरा कैसा भी हो सकता है। यही शुकरमणि होती है प्यारे दर्शकों। शुकरमणि का व्याख्यान एक तो दुर्लभ है, कोई दो चार पांच हजार रुपए की चीज नहीं, मैं बता देता हूं। इस बात का दावा करता हूं कि शुकरमणि जिस व्यक्ति के पास होगी और कायदे से पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा करके दे दी जाएगी, उसके जीवन में कभी वो बिजनेस हो मुकदमा हो किसी चीज में उसको हार का सामना नहीं देखना पड़ेगा। अगर पॉलिटिशियन है तो बहुत बढ़िया। इसका नियम यह रहेगा उसको चांदी में मढ़वा के गले में पहनना है। गले में पहनने के बाद हर अमावस्या को, ध्यान रखना, हर अमावस्या को इसको पोखर में या पोखर यानी तालाब का जल, जल में डालना, तालाब के जल में, जैसे गंगा के जल में, इस तालाब के जल में ये 24 घंटे पड़ा रहे, इसका भोग यही है। इसको सिद्ध करने के लिए कम से कम 5 से 7 दिन लग जाते हैं, 3 से 4 पंडित लगते हैं, तब जाके ये होता है। मैं बता दूं ये बहुत पावरफुल, आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि जादू इसको बोलो जा मेरा ये काम करता, ऐसा नहीं, आपकी समस्त प्रकार की आय को बढ़ाएगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, सत्र तो आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, पितृ दोष कुल दोष तंत्र दोष यानी जितने भी दोष हैं वो आपको बिल्कुल नहीं टच कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, अभी मैं नेपाल गया था और नेपाल में जैसे हमारी पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय इंदिरा गांधी जी एक मुखी रुद्राक्ष धारण की थी ना, और जिस दिन उनके साथ ये घटना हुई थी उस दिन वो इनके साथ नहीं था। एक मुखी रुद्राक्ष आजकल काजू दाना 400-500 ये बिल्कुल नहीं, ये सब बना बनाया सिंथेटिक है, प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, आप समझ नहीं पाओगे। एक मुखी रुद्राक्ष हिंदुस्तान की 5 बड़ी लैब से, गवर्नमेंटेड लैब से टेस्ट किया विद एक्सरे। हम वहां गए, वो मुझे 11 लाख रुपए का बताया, 11 लाख रुपए का एक मुखी ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष विद 5 डायग्नोस वो लैब टेस्ट इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव और विथ रिकॉर्ड एक्सरे कॉपी सहित आपको लिखा पढ़ी के साथ वो रुद्राक्ष मैंने दर्शन किया। प्यारे दोस्तों, ऐसे रुद्राक्ष को हमारे जो महामंडलेश्वर है शंकराचार्य लोग हैं वो लेते हैं और अपने प्रिय शिष्य जो बड़े बड़े कई हजार करोड़ के मालिक हैं उनको वो देते हैं। इसी प्रकार ये मुक्ता है प्यारे दर्शकों, ये बहुत दुर्लभ है, वो आप लोगों का आशीर्वाद है।
कि कभी अयोध्या आइए, इसके दर्शन मैं कराऊंगा। मेरे पास दो पीस रखे, एक नर का भी है, मादा का भी है, काम दोनों का एक ही है। नवरात्रि चल रही है, वीडियो बनना, इस कारण मैं आज वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं। कभी कोई अगर इसका दर्शन करना चाहे तो व्हाट्सएप कॉल पर मैं करा दूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।